हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आदि मनी व्लॉग्स। और आज हम जा रहे हैं घूमने के लिए, और नव जब से हुआ है तब से हमें बिल्कुल भी ब्रेक नहीं मिला था, तो आज एक काइंड ऑफ शॉर्ट ब्रेक है हमारे लिए। हम एक दिन के लिए जा रहे हैं और हम कल आ जाएंगे। हम जा रहे हैं जयपुर से, एक घंटा दूर एक जगह है, हम जाके आपको दिखाएंगे। बहुत ही अच्छा है, होम स्टे है। हम बेसिकली तीन फैमिलीज जा रहे हैं, दोनों भैया जिनसे हम आपको मिलवाने वाले थे बहुत पहले वाले व्लॉग्स में, अब उनसे मिलवाएंगे, और साथ में नव भी जा रहा है। और ऑब्वियसली जब आप बच्चे के साथ सिर्फ एक दिन के लिए भी जाते हो ना, तब भी इतना सारा सामान सिर्फ बच्चे का कैरी करना पड़ता है। तो अभी हम रेडी हैं और रास्ते में भी हम आपको दिखाएंगे क्या क्या चीज़ें आएंगी, फिर जाके पूरा हाउस टूर कराएंगे जहाँ पे भी हम रुक रहे हैं, फूल दिखाएंगे, सब कुछ दिखाएंगे। तो हमारे साथ चलिए, आप भी इंजॉय करिए, हम भी इंजॉय करेंगे। अभी हम जैसे उधर आएंगे ना, सारी तैयारी फेल हो जाएगी। सुबह हो रहा था 25 डिग्री और अब हो रहा है 35, मतलब 35। फुल गर्मी है, फुल। ये हमारे पंडित जी के लड़का सर्वेश जी, और ये रहे हमारे भैया जी, और ये है बहुत ही प्यारा रास्ता। राजस्थान की एक चीज तो खासियत है, सड़कें खाली रहती हैं। सुंदर तो सारे रास्ते हैं दुनिया के, ये तो भीड़ करती है दिक्कत। और ये अलग अलग फ्लेवर के आम पापड़, यादें ताजा हो गई। ये एक गांव आया है छोटा सा, अच्छा लग रहा है, बस थोड़ी सी धूप कम हो जाए तो हर चीज अच्छी लगे। प्राइवेट स्कूल है यहाँ पे, डायनामिक। ये नव के पापा नव का सामान है, नव को लेके जा रहे हैं। आरती ने दर्श को लिया हुआ है, ये भाभी आगे जा रही है, और ये फूल है। यहाँ पे हम लोग इवनिंग में आएंगे थोड़ी देर के लिए, अभी तो सफाई चल रही है शायद। ये एंटर कर रहे हैं, देखते हैं ये इतनी दूर आना वर्थ इट है या नहीं है, बट अभी तक तो अच्छा ही लग रहा है। लेट्स सी एंड होप फॉर द बेस्ट। हेलो भैया, बारी बनाएंगे नहीं, वैसे सर्वेश सर्वेश वैसे नोएडा में नहीं बनाया था। भैया ने कोई हाथ में ना बर्तन वाले भैया चाय बनाए, बस चिल्लाए गाली दे, बस और कोई काम नहीं। और क्या भैया, और में हो गए रेडी? मैं बच्चे रेडी, मतलब नंगू पंगू। मस्ती चल रही है, सब लोग मोहितो पी रहे हैं और ये लोग नहा रहे हैं, और ये रहा मेरा नाम। हेलो नाम, से हाय। और आरती मोहितो पी रही है, आरती ने दर्श को लिया हुआ है, पीछे भाभी खड़ी है। ये रहा मेरा मोहितो, मेरा मोहितो यहाँ पे रखा है। हेलो नाम, कैसे लग रहा है बेटा? यहाँ पे सब लोग फोटो खिंचवा रहे हैं। ये भाभी और मेरा एक ही काम है, बच्चे संभालने का। भाभी ने दर्श को ले रखा है, और यहाँ पे भैया एकदम पोज में बैठ के
फोटो ले रहे हैं उनकी, और सर्वेश और आरती अंदर है। ये ना वो एकदम बिजी है कि मौका मिला है तो फटाफट हाथ खा लेता हूँ। शादी जयपुर से लगभग हमारे घर से। अच्छा दोस्तों एयरबिन भी मैं तुम्हारे अंदर जा पीछे पानी आ रहा है, पीछे हेलो डियर भाई, कैसा लग रहा है? बैठो बैठो, जगह अच्छी है। अच्छा हेलो एवरीवन, अभी हम पूल में बैठे हैं। मैं नहा नहीं रही हूँ, नहा इसलिए नहीं रही हूँ बिकॉज ये पानी बहुत ज्यादा मतलब क्लोरीन वाला है, सॉल्टी बहुत ज्यादा है और मेरी स्किन खराब हो रही है। मैं वहां गया इसलिए कैमरा इधर हस्बैंड खड़े हैं, इधर आओ ना छोटा। अभी इनके स्टिचेस भी ठीक नहीं हुए हैं, बट भैया कह रहे हैं। तो ये आरती है, आरती सर्विस में की वाइफ है और ये लोग हमारे घर के पास ही रहते हैं, डीमार्ट के पास। और हम लोग बहुत ज्यादा मिलते रहते हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली मिलते रहते हैं। और आरती वैसे तो बहुत छोटी है हम लोगों से, मतलब मेरे से, भाभी से और टिंकू भैया से बहुत छोटी है इनमें, बट स्टिल बॉन्डिंग जो है वो इक्वल है क्योंकि फ्रेंड्स जो होते हैं वो किसी भी एज के हो सकते हैं। चलो स्टार्ट, बहुत देर से जंप है। 1 2 3 स्टार्ट। मुझे रबड़ नहीं। भाभी हैं। अब इंट्रोडक्शन मिल रहा है क्योंकि तब से दर्श को संभाला हुआ था और मैंने नव को संभाला हुआ था। और ये हमारा दर्श बेटा सो गया है और एकदम गहरी नींद में सो रहा है। मेरे पैरों में कीचड़ लग गया है क्योंकि मैं। हेलो बाबू, मम्मा आ गई है। हाय। नव एकदम बिजी है, पता है क्या देख रहा था ना? नव देख रहा था ये पेड़। हाँ, अब नव को थोड़ी सी वॉक कराते हैं, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। ये देखो चाची आ गई वॉक कराने के लिए। चाची कह रही है मैं वॉक करा देती हूँ, आप रहने दो, आप व्लॉग बना लो तो फायदा होता है फ्रेंड्स के साथ आने में ना, कि मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड हो जाती है। और ऑब्वियसली आप अपना एक तरीके से जैसे आप हो आप वैसे रह सकते हो, आपको कुछ बनने की जरूरत नहीं है, जरा सा भी फेंकना सपने अंदर लाने की जरूरत नहीं होती। हाँ ये भाभी दर्श को लेके आई है, दर्श सो रहा है और बहुत ठंडी हवा चल रही है।
दर्श एकदम गहरी नींद में सो रहा है, एकदम गहरी नींद में, उसको पता नहीं है। वैसे तो दर्श बिना एसी के नहीं रहता है, बट क्योंकि अभी ना एकदम एसी जैसा ही वेदर हो रखा है तो कोई दिक्कत नहीं हो रही, इसलिए बेबीज भी एकदम कूल महसूस कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले तो बहुत ही गर्मी हो रही थी, बट अभी बहुत अच्छा है। तो दर्श बिना एसी के भी सो रहा है, देखो कितने चैन से, नीचे एक फोन रखा है, ऊपर दूसरा फोन रखा है। और नव जो है वो बस चारों तरफ देखता रहता है। नव काफी शांत बच्चा है वैसे, लेकिन जब रोता है तो बहुत ही रोता है। कल शाम को बहुत ज्यादा रोने लगा था, तो फिर मैंने उसकी नजर उतारी लाइक एवरी मदर। क्या कर रहे हो नव आप? ये चाची ने नव को कवर कर दिया। नव देख रहा है बड़ी बड़ी आंखें करके, क्या हो गया? क्या हुआ? बच्चों ने बच्चों की भाषा में बात करके हंसते हैं। सोने में बिजी है अभी दर्श, ये सो चुका है, बहुत देर हो गई है, अब उठने वाला है धीरे धीरे। ओहो पानी की आवाज से उठा दिया मेरे बेटे को। हेलो दर्श, हेलो बेटू। ये भैया आदर्श की और भाभी की फोटो ले रहे हैं और अपने नव को घुमा रहे हैं, और आरती अभी वीडियो शूट कर रही है हम लोगों का, मतलब मेरा और नव का। तो नव तो बिजी है खाने में हाथ अपने, और मैं धीरे 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 वॉक भी कर रही हूँ, उसको घुमा भी रही हूँ, क्योंकि ना बाहर की हवा बहुत अच्छी। आज हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मस्ती करी, मैंने आपको दिखाया ऑलरेडी वीडियोस रिकॉर्ड कर करके, मैंने मेरे हस्बैंड ने कि हमने कितनी मस्ती करी है, और नव को तो बहुत ही मज़ा आ रहा है, चारों तरफ देख रहा है, और अभी ना मोटर की आवाज़ आ रही है तो उसको सुन रहा है कि कहाँ से आ रही है, कभी पापा को देख लेता है कभी मम्मा को। और नव के भी हमने कपड़े चेंज कर दिए, नव के सेंसेस डेवलप करने का एक और तरीका है कि मैं उसे टच करवाती हूँ। मैंने आपको कल के ब्लॉग में बताया था ना कि प्लांट्स टच करवाए थे मैंने नव को, मैंने इसको घास में खड़ा किया है, बट आई थिंक इसको अच्छा नहीं लग रहा है, अपने पैर ही नहीं मूव कर रहा है, एक ही जगह खड़ा है। चलो नव, कम 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 टू मम्मा, कम टू मम्मा। ओ माय गॉड, कौन दिख गया है मम्मा के पजामे पे, कुछ अच्छा अच्छा बना है। चलो पापा को देखो, अच्छा पापा के पास चलो, चलो चलो देखो पापा क्या कह रहे हैं। मॉर्निंग एवरीवन, और अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 और हम उठ गए हैं। वैसे तो हम इतनी जल्दी नहीं उठते, हम जल्दी उठने वालों में से नहीं है, बट क्योंकि नव ने पॉटी कर दी थी तो हमें उठना ही था ऑब्वियसली एज पेरेंट्स, और उसने पूरे कपड़े खराब कर लिए, हम उसको पूरा चेंज करके अब घुमाने के लिए लेके आए हैं। और अगर आप वेदर देखोगे ना बहुत ही सुंदर लग रहा है, वहाँ से सन निकल रहा है बट उसके ऊपर एक बादल है, तो ऐसे रेज चारों तरफ स्कैटर्ड आपको दिखाई दे रही होंगी, बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो हम नव को थोड़ी देर यहाँ गार्डन में वॉक कराने के लिए लाए, और नव बहुत ज़्यादा खुश है अभी क्योंकि उसकी नींद पूरी हो जाती है तो वो खूब खेलता है, और वो अपनी चाची से बातें करने में लगा हुआ है, बीच बीच में ऑन कर लेता है, फिर चिड़िया देख लेता है, फिर घास देख लेता है। हाँ ऐसे पकड़ लेता है, दो भैया एक सैया। सर्वेश भैया पेट अंदर करो, आप भी अपना पेट अंदर करो, 1 2 3। हेलो एवरीवन, अभी हम रुके हैं कुछ खाने के लिए होटल हाईवे किंग पे, आई गेस हाँ होटल हाईवे किंग पे हम लोग रुके हैं, और नव के पापा नव को लेके जा रहे हैं। ये रहा नव अपने पापा के साथ, क्योंकि नव सो रहा है, हाँ क्योंकि नव सो रहा है तो उसके पापा ने उसको उठाया हुआ है, और हम यहाँ पे आए हैं होटल हाईवे किंग पे क्योंकि हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया था, सुबह सिर्फ चाय चाय पी थी, वहाँ पे कुछ खाने का था नहीं आसपास में ना एक्चुअली, और रात को हमने बाहर से मंगाया था तो इतनी जल्दी वो लोग ऑर्डर भी नहीं ले रहे थे खाना बनाने के लिए,
सोचा हम रास्ते में रुक के कुछ खा लेंगे। सुबह चाय और थोड़ी सी नमकीन हम लोग लेके गए थे, चिप्स एंड नमकीन वगैरह, बिस्किट ले जाना हम भूल गए थे। ये आरती और सर्वेश भैया आगे आगे चल रहे हैं और आरती अपनी सेल्फी ले रही है। हाय पापा, पापा ऑन ड्यूटी हैं अभी, डैडी ऑन ड्यूटी है बिकॉज नव इज स्लीपिंग। नव सुबह से परेशान हो रहा था, आज बादल हो गया था। हमने पराठे खा लिए हैं, हमने पराठे मंगाए थे, इडली सांभर मंगाए थे और हम दोनों के बच्चे ही उठ गए हैं। और दर्श को उसके पापा ने लिया हुआ है, नव को उसके पापा ने लिया हुआ है और नव भी रो रहा था जब मैं खाना खा रही थी, तो नव के पापा ने पकड़ा है और ये दर्श भी रो रहा है। और ये दर्श नव की कार सीट ये रही, दर्श की कार सीट वो रही, दर्श की मम्मा भी अभी कॉफ़ी पी रही है, नहीं लस्सी पी रही है, इसलिए दोनों के पापा संभाल रहे हैं। मैं खा रही थी अभी, मैंने भी खा लिया है, अब हम इनको संभालेंगे।